परम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय गहलोत साहब, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, डोटासरा साहब, मंच पर सभी नेतागण, इस सभा में मौजूद किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज हम सब राहुल गांधी जी का भाषण सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप जानते हो, दो दिन से लगातार राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर और आज आपके नागौर में आप सबको संबोधित करने के लिए और राजस्थान और देश के किसान को संदेश देने के लिए राहुल गांधी जी हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। साथियों, इस देश में जो कानून लगाए हैं केंद्र सरकार ने, उसको आप भलीभांति जानते हो, उसकी बारीकियों के बारे में राहुल जी आपको बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, जब लॉकडाउन हो गया था, तो कारखाने, फैक्ट्री, दुकान, धंधे सब बंद थे, लेकिन किसानी बंद रही थी, किसान ने काम किया, आज हमारे भंडार भरे हुए हैं। केंद्र की सरकार ने मानस बना लिया कि जिन लोगों ने हमारा पेट पाला है, जो इस देश की आत्मा है, उनके पेट पर लात मारनी है, उनके भविष्य को, बच्चे पोतों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम करने जा रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, संसद के अंदर, संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, किसान को संबल देने का काम किया है, पंजाब हो, हरियाणा हो और अब राजस्थान में, आज संदेश पूरे देश में जाएगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया कि इनकी सरकार दमन कर ये तीन कानून हम पर थोपना चाहती है, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर पूरे देश के लोगों को एकत्रित कर इस सरकार के घुटने टेकेंगे। जिस प्रकार पहले जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून था, उसको बदलने की कोशिश करी, 8-10 बार अध्यादेश लेकर आए, लेकिन राहुल गांधी जी हमारे सांसद पार्टियों ने उस सरकार को मंजूर नहीं होने दिया और अध्यादेश वापिस लिए। आज पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है, किसान चाहता है हम लोग आगे बढ़े, मजबूती से आगे बढ़े, और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी का ये दो दिवसीय दौरा केंद्र की सरकार को हिलाने वाला है। विपक्ष में नेता बहुत हैं, लेकिन मोदी सरकार को ललकाने वाला अगर कोई नेता है, वो राहुल गांधी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की बात को सुनें, उस पर अमल करें, और पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी जी इस देश के किसान के साथ खड़े हैं। साथियों, समय कम है, आपको राहुल जी को सुनना है। मैं तो सिर्फ, क्योंकि आप नागौर में आए हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के किसान जिस करवट बैठ जाते हैं, जनता और देश प्रदेश उस करता बैठ जाता है। इसलिए बहनों भाइयों, नागौर के साथियों, राहुल गांधी जी के समर्थन में अपने दोनों हाथ खड़े कर बताएं कि कानून वापस लेने तक हम राहुल गांधी के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।